नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में, कैसा रहेगा मई 2022 कन्या राशि के जातकों के लिए, कौन से बड़े परिवर्तन हैं जो इस मंथ में होने जा रहे हैं और किन चीज़ों से रहना है आपको सावधान। इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे, लेकिन यदि आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो के पसंद आने पर लाइक व शेयर ज़रूर करें। दर्शकों, ये राशिफल चंद्र राशि व आपके नाम पर आधारित है, तो कृपया आप इसे उसी प्रकार से देखने और समझने का प्रयास करें। यदि आपको कोई विशेष प्रश्न है, आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं जो कि आपको मिल नहीं रहा है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके जन्मांक चक्र में छुपा होता है आपके भविष्य का राज। आपको किस ग्रह की महादशा मिली हुई है, किस ग्रह की अंतर्दशा मिली हुई है और वो ग्रह आपकी पत्रिका में किस पोजिशन में है, शुभ हैं या अशुभ हैं, शुभ परिणाम दे रहे हैं या अशुभ परिणाम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख करके ही पता लगेंगी कि आपकी समस्या का कारण और निवारण क्या है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मंथ में चंद्रमा से बनने वाले अशुभ गोचर के बारे में। किन तारीखों को चंद्रमा का गोचर आपके लिए शुभ नहीं रहेगा? चंद्रमा बड़े उलटफेर के कारक होते हैं, मन और मस्तिष्क के कारक होते हैं, मन के स्वामी होते हैं, हमारे माइंड के लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। यदि चंद्रमा का गोचर हमारे लिए शुभ नहीं है तो जिन तारीखों को चंद्रमा आपकी राशि से 14, 8 और 12 स्थान में गोचर कर रहे हैं उन तारीखों को आपको विशेष ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट काम यदि आप करते हैं तो उन तारीखों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ें ताकि आप फालतू की परेशानियों से बच सकें। ये तारीखें हम आपको एडवांस में बता रहे हैं, डेट आप नोट कर सकते हैं 1, 2 मई, 10, 11 मई और 18, 19 मई। इन तारीखों को यदि आप ध्यान में रख करके कोई काम करते हैं तो फालतू की परेशानियों से बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करियर की दृष्टि से कैसा रहेगा ये मंथ आपके लिए। आपके कर्म स्थान के स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर आपके कर्म स्थान से द्वादश स्थान में रहेगा। आपके राशि के स्वामी भी बुध हैं और बुध आपके राशि से नवम स्थान यानी भाग्य स्थान में मिलेंगे। यानी कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत, अधिक संघर्ष तो रहेगा, लेकिन अधिक संघर्ष और मेहनत के बाद आपको अच्छी सफलता मिलेगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा होगी, अच्छी एनर्जी होगी, कार्य करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होगी। आपका IQ लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत शानदार रहने वाला है। आय की दृष्टि से मंथ आपका काफ़ी उत्तम रहेगा, आय और व्यय इस समय में बराबर बना रहेगा। यदि आप कोई भी काम करते हैं तो आपके कार्य अनुसार आपको निरंतर आय होती रहेगी। वहीं पर यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तलाश आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष इस समय आपके सामने आ सकता है। शनि का प्रभाव सूर्य पर होने से यदि आप पहले से गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो किसी इनलीगल केस में फंस सकते हैं, जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। वहीं पर बिजनेस व्यापार की दृष्टि से यदि बात करें तो व्यापारिक दृष्टि से समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके राशि पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव रहेगा, यानी आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा होगी, साहस होगा, पॉजिटिविटी होगी, और जब कोई भी काम पॉजिटिविटी के साथ किया जाए तो उसमें सक्सेस बहुत अच्छी मिलती है। कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अधिक यात्राएं, भागदौड़, देश विदेश से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। यदि आपका काम टेंडर लेने का है या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि देश विदेश से संबंधित है और वो रुका हुआ था, तो वो काम अब आपका पूरा हो सकता है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। वहीं पर कोई बड़े मठाधीश या राजनेताओं से संबंधित कुछ समस्याएं, यानी किसी बड़े राजनेता को, पॉलिटिक्स को, या किसी बड़े मठाधिकारी को, यानी जो कि धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर यदि आपके पराक्रम की बात की जाए तो पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, कॉन्फिडेंट लेवल आपका बहुत शानदार रहेगा। यदि आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करें। यहाँ पर आपको अचानक से नुकसान हो सकता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव द्वितीय स्थान में रहेगा। अचानक से धन व्यय, फालतू की परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। यहीं पर शत्रुओं की यदि बात करते हैं तो शत्रु आपके इस मंथ विशेष में शांत रहेंगे या आपसे हार मान करके
आपसे दूर भी जा सकते हैं, यानी शत्रु आपसे परास्त होंगे। वहीं पर यदि आपका प्रश्न आपके घर मकान से संबंधित है तो आपके घर मकान बनने के पूरे चांसेस है। यदि आपने काफ़ी लंबे समय से देख रखा था कि आपको कोई घर लेना है या कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई वाहन आदि खरीदना है, तो ये सपने आपके पूरे हो सकते हैं। वहीं पर स्टूडेंट्स की यदि बात की जाए तो स्टूडेंट्स से संबंधित समय आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, अदर कैरिकुलर एक्टिविटी आप सीख सकते हैं। नई लैंग्वेजेस सीखना, बाहर जाना, फॉरेन स्टडी करना, ये चीज़ें आपके अंदर देखने को मिल सकती है। शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, शत्रुहंता योग बना हुआ है जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी आपको विशेष चिंता हो सकती है, आपके आँखों में, सर में, पेट में समस्या हो सकती है, क्योंकि सूर्य आपके राशि से अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है। तो दर्शकों, ये कुछ खास जानकारियां हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। यदि इसके अलावा आपको कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।